लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर बहुत ज्यादा आसान, ऑलमोस्ट सारी चीजें वही हैं जो आपने 7th क्लास में भी पढ़ी थी लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, तो नया कुछ है नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है। फटाफट से थोड़े से बेसिक पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएशन जो है वो क्वेश्चन पर ही हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो 2-3-4 ही हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है जी, चलिए जी। तो सबसे पहले दो चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर। तीसरी बात एडजेसेंट एंगल्स। चलिए जी, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल्स? व्हेन डू वी से टू एंगल्स टू बी एडजेसेंट? When two angles with common vertex and common arm. दो एंगल जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, और जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स पर है, देन एंगल वन एंड एंगल टू आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। कंडीशन क्या कही हमने? दो एंगल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। यहां पर कॉमन वर्टेक्स है ओ, कॉमन आर्म है ओ बी। अनकॉमन आर्म्स ओ सी एंड ओ ए ऑफ द एंगल्स वन एंड टू, दे आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, सो वन एंड टू दे आर एडजेसेंट एंगल्स। व्हेन डू वी से टू एंगल्स टू बी सप्लीमेंट्री? When the sum of the two angles is And sum 180 of degree. two angles is 180. When sum of two angles is 180, then A and B they are said to be supplementary angles. Complementary angles क्या होते थे? Sum of angles is 90 degree. When the sum of angles is 90 degree, angles are said to be complementary. When sum is 180, they are said to be supplementary. And what is linear pair? When sum of angle on the straight line is 180 degree. When sum of angles on a straight line is 180, say I say this has angle X, this has angle Y, angle X plus angle Y is 180 degree. अब मुझे एक बात बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी सम 180 डिग्री है, और जब लीनियर पेयर की बात हम कर रहे हैं इसमें भी सम 180 डिग्री है, तो क्या ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकती हूँ? लीनियर पेयर की जगह सप्लीमेंट्री एंगल यूज कर लूं, या सप्लीमेंट्री एंगल की जगह लीनियर पेयर बात कर लूं, ऐसा कर सकती हूँ? नो नो। हाउ मेनी ऑफ यू से दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली? है कोई ऐसा जो कहता है कि एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, सब कोई कहते हैं कि ये दो अलग अलग बातें हैं। अब क्या डिफरेंस है, कैसे समझाओगे ये? कौन बताएगा मुझे माइक के पास आकर के, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं तब भी इन दो का सम 180 है, जब ये दो एंगल्स आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तब भी सम 180 है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते लीनियर हैं ऑलवेज लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर के या सप्लीमेंट्री एंगल्स के? लीनियर लीनियर पेयर ऑलवेज लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन. पेयर में जो दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है जी, व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर पेयर, द टू एंगल्स फॉर्मिंग द लीनियर पेयर विल ऑलवेज बी एडजेसेंट एंगल, बट फॉर एंगल्स टू बी सप्लीमेंट्री उनका एडजेसेंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेट अस से मैंने एक स्क्वायर लिया,
ये स्क्वायर है मेरा, से पी क्यू आर एस, एंगल एस एंड एंगल क्यू आर द सप्लीमेंट्री। हाँ जी, आर दे सप्लीमेंट्री? यस यस, बट आर दे एडजेसेंट? नो नो। सो यहां पर एंगल पी, एंगल एस एंड एंगल क्यू, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर पेयर। जब भी दो एंगल्स का सम 180 है और वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तभी वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, अदरवाइज वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट इसमें रहता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एवरीबडी नोज व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? यस अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो से दिस इज एल, दिस इज एम, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड व्हेन एवर टू लाइंस इंटरसेक्ट द टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। एक बात और बताओ, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं, उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दे कैन बी इंटरसेक्टिंग, दे कैन बी पैरेलल, कुछ और भी हो सकता है? आई हैव टू लाइन्स, देर आर टू पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज, वन इज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अनदर इज लाइन्स आर पैरेलल, कैन देर बी सम अनदर कंडीशन ऑल्सो? ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये हैं लाइन्स, हाँ जी, सम कंफ्यूजन इज देयर इन मॉड्यूल्स? हाँ जी, तो ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएं, देन दे आर कॉल्ड को इंसिडेंट लाइंस, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे अगली क्लास में। को इंसिडेंट लाइन्स, तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, जब हम स्पेस में बात करेंगे तो कुछ और भी पॉसिबिलिटीज वर्कआउट हो जाती हैं, लेकिन जब हम टू डायमेंशनल में बात कर रहे हैं तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। लाइन्स कैन बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स कैन बी पैरेलल, दे कैन बी को इंसिडेंट। अब एक बात बताना, मैंने ये दो लाइन्स ड्रॉ करी हैं, कैसी हैं ये? आधे पैरेलल, नो आधे इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, एक के ऊपर एक तो लाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कोई और पॉसिबिलिटी भी होती है, कोई चौथी पॉसिबिलिटी भी है। इंटरसेक्टिंग दे आर इंटरसेक्टिंग, ऐसे दिखने में आपको नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं, दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट। तीस चौथी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे पास, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, चौथी कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास है ही नहीं। ठीक है जी, अब हमने बात कर ली है व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होता है? 360 360 डिग्री। एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज। अब एक बात करते हैं हम, मेरे पास ये दो लाइंस हैं, से एल एंड एम, ये एक लाइन टी इसको कट करके जा रही है, देन दिस टी, दिस इज कॉल्ड, ये ट्रांसवर्सल, ये
I'm marking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Angle 1 and angle 5. What is the name given to these two? Corresponding angle. Corresponding angles. Angle 1 and angle 5. These are two lines. ये दो एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर लाई कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग सिमिलर पोजिशंस पर. Will angle 1 be equal to angle 5? आर यस angle 1 and angle 5 दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल दे बी इक्वल? यस. ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करो और उसके बाद आंसर करना. ये जो दो लाइंस एल और एम मैंने ड्रॉ की हैं आधे पैरेलल? नो. नो, दे आर नॉट पैरेलल. विल एंगल वन बी इक्वल टू एंगल फाइव? नो. विल दे बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? यस. ये बात याद रखना, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन रहती है. व्हेन एवर वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू अनदर लाइंस देन दीज एंगल्स एट करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, नाम करस्पॉन्डिंग एंगल ही रहेगा, लेकिन अगर ये पैरेलल होंगी लाइंस तभी ये और ये एंगल बराबर होगा. अगर एल और एम पैरेलल लाइंस नहीं हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते. डू रिमेम्बर, तो कोई भी फिगर दिया है, डायग्राम दिया है आपको, तो इसको पहले ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना कि जिन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल काट रहा है क्या वो पैरेलल है या नहीं. पैरेलल होगा तभी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है. ठीक है जी. ये जो हम नेमिंग करते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑब्वियसली वो जो हमारे नोटेशंस है वो नहीं बदल रही हैं, वो सेम रहेंगी. लेकिन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी आएगा जब दो लाइंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कैसी हैं? पैरेलल. यहाँ अब एल और एम पैरेलल है, ये टी है. नाउ इफ आई से दिस इज 1, 2, 3, 4. Now angle 1 is equal to angle 5 and they are the corresponding angles. Angle 3 is equal to angle 5. क्यों? मैम angle 3 is equal to angle 7 नहीं आएगा क्या? Angle 3 angle 5 के इक्वल नहीं होगा? 3 7 के इक्वल होगा, बट क्या 3 5 के इक्वल होगा? यस हो सकता है. हो सकता है या है? है. कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहां से हमने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा. वैसे भी हमें दिख रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा. क्यों होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3? वर्टिकली ऑपोजिट. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है जी. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और चौथा जो नाम हम यूज करते हैं दैट इज को इंटीरियर एंगल्स. बताइए जी, इसमें कौन से पेयर हैं जो को इंटीरियर एंगल्स फ्रेम कर रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स 3 and 6, 4 and 5. Angle 3 and angle 6, another pair is angle 4 and angle 5. And we know sum of co-interior angles is 180 degree if lines are parallel. Alternate interior का मतलब transversal के opposite sides पर angle है, corresponding का मतलब same side of transversal पर angle है. ये भी याद रखना है हमने. ये ट्रांसवर्सल, ये 1 और 5 दोनों राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर हैं, करस्पॉन्डिंग.
लेफ्ट पर है, पांच राइट पर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर. ऐसे ही दो और छह सेम साइड पर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तीन और सात करस्पॉन्डिंग एंगल्स. चार और छह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. चलिए जी, अब एक थोड़ा सा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी क्या, यू कैन से टू बी अ क्वेश्चन ओनली. ये एक ट्रायंगल है आपका एबीसी. मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया. क्या किया मैंने, ए बी सी ट्रायंगल था, इसमें बी ओ आई हैव टेकन एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड सी ओ एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी. एंगल बी ओ सी क्या होगा ये बताना इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल बी एंगल बी ओ सी इन टर्म्स ऑफ एंगल ए. सिर्फ ये देखना चाह रही हूं कि दिमाग कहाँ कहाँ तक चला रहे हो. नथिंग टू डू विद पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट और समथिंग, सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन है. बिफोर दैट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. 180 डिग्री. बड़ी पहले से पढ़ते हैं, ठीक है जी. बताओ जरा क्या करोगे, कैसे प्रोसीड करूं, क्या करूं. मुझे एंगल बी ओ सी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगल ए. और एक बात और मैंने बता दी कि एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बी ओ और सी ओ क्या है आपके, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास, यस. दोनों में जरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना फटाफट, जल्दी जल्दी. अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन द ट्रायंगल एबीसी एंड इन द ट्रायंगल ओबीसी. जल्दी जल्दी करो जरा, फिर असाइनमेंट शुरू करें. एंगल एबीसी में और एंगल ओबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जल्दी से फटाफट. देखिए जरा क्या करते हो. अरे बैठने को नहीं कहा मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने को कहा, कोई पेन कॉपी हिला लो. अगर आप ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180. और जब ओबीसी में लगाएंगे तो 180. एंगल तो बोलो 180 तो ठीक है. एंगल ओ प्लस एंगल सी, इसको क्या मैं एंगल बी बोल सकती हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ एंगल बी. सो व्हाट व्हाट आई विल राइट इट एज, आई विल राइट, ये तो चलो ठीक है, एंगल बी ओ सी, इसको वन और इसको टू बोल दूं तो एंगल वन प्लस एंगल टू, दिस इज 180 डिग्री. एंगल वन क्या एंगल बी बाय टू है, ये बात समझ में आती है. और एंगल टू क्या है, तो मैं यहां पर क्या कर दूं, एंगल बी ओ सी एंगल बी बाय टू एंगल सी बाय टू इज इक्वल टू 180. एंड व्हाट डू आई वांट एंगल बी ओ सी. अब एक ये रिलेशन पड़ा है आपके पास, एक ये रिलेशन पड़ा है, क्या इन दोनों में से आप मुझे एंगल बी ओ सी इन टर्म्स ऑफ एंगल ए निकाल के बता सकते हैं, क्या है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी. कोई मैन्यूपुलेशन समझ में आती हो,
ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आप लोगों के दिमाग पर थोड़ा सा बोझ डालने के लिए, ताकि दिमाग को थोड़ा सा चलाना शुरू करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी दिमाग को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलते कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। फिगर्स को ऑब्जर्व करना, प्रॉपर्टीज का यूज करना, सब कुछ आपको आएगा, तभी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। बच्चों यहां पर एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू पड़ा है, यहाँ एंगल बी प्लस एंगल सी पड़ा है, मैं क्या करूं? इस इक्वेशन को थ्रू आउट टू से डिवाइड कर दूं? ये हो जाएगा। इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय टू, एंगल ए बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फ्रॉम हियर एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू विल बी 90 माइनस ए बाय टू। ठीक है जी, यहां पर डाल दो, एंगल बी ओ सी प्लस 90 माइनस एंगल ए बाय टू इज 180 डिग्री। सो एंगल बी ओ सी 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाय टू, तो 90 प्लस एंगल ए बाय टू इज योर एंगल बी ओ सी। यही कहा था मैंने, एंगल बी ओ सी को लिखो इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। दोबारा देखो हमने क्या कहा, एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस होल एंगल बी दिस होल एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। अब अगर मैं ट्रायंगल ओबीसी की बात करती हूं, तो इसमें एंगल बी ओ सी एंगल वन प्लस एंगल टू इज अगेन 180 डिग्री। एंगल वन इज एंगल बी बाय टू एंड एंगल टू इज एंगल सी बाय टू। वन की जगह बी बाय टू, टू की जगह सी बाय टू डाल करके इस इक्वेशन को थ्रू आउट टू से डिवाइड किया, तो एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू इज 90 माइनस ए बाय टू। यहां पर सब्स्टिट्यूट करके जब मैनिपुलेशन लगाई, तो एंगल बी ओ सी कम्स आउट टू बी 90 प्लस एंगल ए बाय टू। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजों पे सिर्फ दिमाग चलाने वाली बात है, बाकी इसमें नया कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है हमने। ठीक है जी, आप ऐसा करो जी, अपना मॉड्यूल निकाल लो, लाइंस एंड एंगल्स वाला जो है। मॉड्यूल वन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, एंड वी विल स्टार्ट विद असर्शन रीजन फर्स्ट। पहला असर्शन रीजन पढ़िए जी, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर इज 99 डिग्री। फिगर दिया है आपको, और फिगर में बोला गया कि जो एक्स है उसकी वैल्यू 99 डिग्री है। फिगर दिया है आपको लाइक दिस, डिफरेंट एंगल्स की मेजरमेंट्स दी हैं, ये एंगल एक्स है, ये 2x है, ये एंगल एक्स बाय थ्री दिया है, ये एंगल एक्स बाय थ्री माइनस थ्री दिया है। वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फिगर इज 99 डिग्री। जल्दी से बताइए, इज इट ओके और नॉट? काम में ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और ही है बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर? हाँ जी, ये मॉड्यूल है सबके पास, पहले तो ये बताओ मुझे, Yes. Which property are you going to use to get the value of x? अरे क्या हो गया, एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो B60. लगाओ फिर। अगर ये मेरा ओ पॉइंट है, इसके अराउंड ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये चार एंगल्स, इनका सम कितना होगा? B60. एक्स निकालो, क्या निकालोगे? इट इज ट्रू। इसके अराउंड जो चार एंगल्स दिए हैं, एक्स, टू एक्स, एक्स बाय थ्री, एक्स बाय थ्री माइनस थ्री, सम ऑफ ऑल इज गिवन टू बी 360। एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स, एक्स बाय थ्री प्लस एक्स बाय थ्री टू एक्स बाय थ्री, इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो 363।
Now, if I take the LCM, 9 plus 2, 11x by 3 is 363. So, x is 363 into 3 divided by 11. 11 threes are 33, 11 threes are 33. So, value of x comes out to be 99 degree. Bohat basic property. Sum of angles around a point is 360 degree ka humne istemal kiya. So, yahan par assertion true hai aur reason. भी ठीक ट्रू है. सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. सो व्हिच वन इज द आंसर? ए. असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट असर्शन है नेक्स्ट. टू एंगल्स नीड टू बी एडजेसेंट टू बी सप्लीमेंट्री. फॉल्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए उनका एडजेसेंट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता. सिर्फ जरूरी क्या है कि उनका सम 180 डिग्री हो जाए. नेक्स्ट है टू एंगल्स नीड टू बी एडजेसेंट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर. ट्रू. लीनियर पेयर तभी बनेगा जब एडजेसेंट एंगल्स होंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए उनका एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है. तो आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है. तो विच ऑप्शन इज द आंसर? डी इज द आंसर. थर्ड असर्शन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर बोथ सेम टाइप ऑफ एंगल्स ईदर एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स. जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे उनके बारे में कह रहे हैं दे आर बोथ सेम टाइप ऑफ एंगल्स ईदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स. इज इट ओके? ऑब्वियसली आपको मालूम है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. इक्वल तभी होंगे अगर एक का मेजर 60 डिग्री है तो दूसरे का भी तो 60 डिग्री होगा, तभी तो इक्वल हो पाएगा, वरना कैसे होगा. ये वाला एंगल इसके ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये वन और वन है, ये टू एंड टू है. तो दोनों सेम टाइप के होंगे तभी इक्वालिटी पे जा पाएंगे, वरना तो इक्वालिटी हो ही नहीं सकती. एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल तो कभी बराबर नहीं हो. रीजन इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. अब इसमें आप आंसर क्या देंगे, ए या बी? ए. नेक्स्ट है When a transversal cuts two parallel lines, each pair of corresponding angles are not equal. False. When a transversal cuts two parallel lines, each pair of alternate interior angles are equal. True. So answer? D. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. True. If two lines are cut by a transversal and each pair of corresponding angles are equal in measure, then the lines are parallel. True. ने कहा कि अगर दो lines parallel हैं और एक transversal इनको cut कर रहा है तो corresponding angles बराबर होते हैं. दूसरे में हमने कहा इफ टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन लाइंस आर इक्वल. मतलब एक दूसरे के रिवर्स बातें कर रहे हैं हम. तो क्या ये ठीक है या नहीं? ट्रू है. कन्वर्स है ऊपर वाली स्टेटमेंट का. दो बातें, लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, या मैं कहूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल हो जाती है. ठीक है जी. तो यहां पर आपके पास दोनों ट्रू हैं लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी बी. तो फिफ्थ असर्शन रीजन में आंसर है आपका बी. चलिए जी अब एमसीक्यू पर चलते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू. डायग्राम को जरा प्रॉपरली ड्रॉ कर लें आप अपनी अपनी कॉपीज में, या इसी पे ही करना है वो आपका चॉइस. व्हेन आई से प्रॉपरली ड्रॉ कर लें उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो कुछ लाइंस पैरेलल दे रखी हैं उनकी मार्किंग कर लो, ताकि जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं
सामने से जो भी डाटा गिवन है वो आपको दिख रहा हो, ये पॉइंट डी, ई, दिस पॉइंट इज एफ, दिस इज जी। जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है मैं अपने डायग्राम पर पहले उसको रिप्रेजेंट कर लूं। पहली चीज, ई एफ पैरेलल टू ए जी, ई एफ ए जी, दे आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस को हम एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दो लाइंस पैरेलल हैं उन पर सेम नंबर ऑफ एरोज मैंने डाल दिए। फिर दिया है ए बी सी डी एंड एफ जी, ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो इन टर्न ये और ये भी पैरेलल हो गए। फिर दिया है ए जी पैरेलल टू बी सी, ए जी पैरेलल टू बी सी। ये बात समझ में आ गई है? पहले डायग्राम पे जो कुछ था हमने डिपिक्ट कर लिया, ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है सभी को? Yes. अब हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, हाउ मच इज इट? 70 डिग्री। और मुझसे पूछा क्या गया है, एंगल बी ए जी, इसको 1 बोल देती हूं, और बी सी डी, बी सी डी मतलब ये वाला है, व्हाट आई नीड इज एंगल 1 माइनस एंगल 2 की वैल्यू। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। अब हमने डायग्राम को सीधे सीधे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर दिया, सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा सीधा करके ड्रॉ कर दिया है। अगर मैंने डायग्राम को थोड़ी और तरीके से ड्रॉ कर दिया तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज तो नहीं बदलने वाली, वो तो वहीं की वहीं रहेंगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं और कौन से ट्रांसवर्सल्स दिख रहे हैं, बस इतना ही काम है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए जी और एफ ई पैरेलल दे रखी हैं, क्या आप इन दो लाइंस के बीच का ट्रांसवर्सल बता सकते हो मुझे कौन सा है? विच लाइन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल? जीएफ जी एफ, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजन भी है तो इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंडेड लाइक दिस, अगर कुछ कंफ्यूजन है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। ये आपके पास पैरेलल लाइंस, ये इसके पैरेलल है, और ये एज अ ट्रांसवर्स सेलेक्ट करेगा। समझ में आती है बात? ये यस चलिए, अगर ये समझ में आ गया है कि ए जी और एफ ई दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एफ जी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, ये एंगल 70 डिग्री है। अब कोई और एंगल की बात करें जो आप निकाल सकते हो, एफ जी ए अल्टरनेट एफ जी ए, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा एफ जी ए? इंटीरियर एंगल। परफेक्ट। ये ट्रांसवर्सल देखो, जैसे आप यहां करते हो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो। यहां पर भी ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये एंगल बन रहा है लाइन के साथ, एक तरफ ये बन रहा है, तो ये 70, तो ये भी हो गया 70। क्यों हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब मुझे अब ये एंगल मिल गया है 70, मुझे जो एंगल निकालना है वो 1 और 2 निकालना है। इसका मतलब मुझे अब चलना तो इसी इंफॉर्मेशन से पड़ेगा, और कोई एंगल तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास। तो अब ढूंढो ये 70 एंगल के लिए कौन सी दो पैरेलल लाइंस और कौन सा ट्रांसवर्सल। शाबाश, जल्दी से ऑब्जर्व करो, विच टू पैरेलल लाइंस शुड आई कंसिडर एंड विच ट्रांसवर्सल फॉर देम इज टू बी कंसिडर्ड। ये 70 एंगल एफ जी ए जी के साथ बन रहा है, एफ जी ए बी के पैरेलल है। कुछ समझ में आई बात? विच टू पैरेलल लाइंस नाउ आई शुड कंसिडर? एफ जी एंड ए बी।
बिल्कुल बोली दिया मैंने, एफ जी और ए बी ये दो पैरेलल लाइंस जिनके बीच में ए जी एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। आई मेरी बात कुछ समझ में कि नहीं, पहले ही बताओ। दोबारा देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, ये दो पैरेलल लाइंस जा रही थी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये इसमें एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा था, ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा था तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये 70 तो ये भी 70। अब हमने देखा ये लाइन के साथ ये पैरेलल में जा रहा है तो ए जी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये 70 है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल वन का मेजरमेंट क्या होगा? ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ऐसे ही चल रहा है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और मैं इन एंगल और इस एंगल की बात कर रही हूं। क्या है ये दो? ट्रांसवर्सल सेम ट्रांसवर्सल पर इनसाइड एंगल्स हो, क्या को इंटीरियर एंगल्स हो गए? को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री तो क्या एंगल वन का मेजरमेंट मिलेगा? हाउ मच विल बी एंगल वन? डिग्री। 110 डिग्री ये एंगल 110 डिग्री मुझे मिल गया। ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करते जाओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ ओरिएंटेशन दिमाग की बदलनी पड़ेगी, सिर्फ इस फिगर से हट करके सोचना पड़ेगा। जब तक दिमाग में इसको फिक्स किया हुआ है, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इस फिगर को थोड़े टाइम के लिए दिमाग से हटा दो कि जब पैरेलल लाइन का क्वेश्चन आएगा तो दो लाइन ऐसे और एक ऐसे मिलेगा, नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है। सो अपने दिमाग को उसके अकॉर्डिंगली फीड करना शुरू करो। अब ये एंगल वन तो मुझे मिल गया, मुझे ये वाला एंगल ढूंढना है। अब फिगर में देखो और कौन सी पैरेलल लाइन की कंडीशन नजर आ रही है तुम्हें? ए जी एंड बी सी आर पैरेलल एग्जैक्टली, ए जी एंड बी सी आर पैरेलल, एंड विच वन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल? ए बी ए बी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, सो कैन यू गेट दिस एंगल 70 डिग्री 70 डिग्री को इंटीरियर एंगल? ये ए जी बी सी के पैरेलल चल गई, ये ए बी ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर हो गए। ये 110 तो ये कितना? 70 70। मुझे अब ये एंगल चाहिए, 70 डिग्री 70 डिग्री डिग्री क्यों? परफेक्ट, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर वेरी गुड। अब ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, ये बी सी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये बी सी एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, ए बी सी डी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर लाइंस पैरेलल हो तो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एंगल वन माइनस एंगल टू, दैट इज 110 माइनस 70, सो माई आंसर इज, 40 डिग्री एक बार दोबारा पूरी तरह से फोकस करके डायग्राम को ऊपर कंसंट्रेट करो, क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज लगाई, कैसे किया है, जरा समझने की कोशिश करो, और जिस भी पॉइंट पर अटक जाओ वो मुझसे पूछ लो। गिविंग यू 1 मिनट, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, और सीधा क्वेश्चन एक भी नहीं डाला है मैंने, हाँ एक आधा डाला हुआ, बाकी सब में थोड़ा बहुत सोचने वाला ही काम है। थोड़ी सी दिमाग की ओरिएंटेशन घुमा लो बस, एक यूजुअल फिगर को छोड़ करके कुछ नए तरीके का फिगर देखने को मिल रहा है, उस नए फिगर की इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशन के नाम पे कुछ नहीं करना, सिर्फ दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल ढूंढना है, प्रॉपर्टी तो वैसे ही चलती जाएगी, प्रॉपर्टी तो कुछ बदली नहीं। ठीक है जी, लो जी, सबसे पहले ये एंगल दिया था तो इसी से शुरुआत करी हमने, एफ जी ए जी पैरेलल लाइंस, सॉरी एफ ई ए जी पैरेलल लाइंस, एफ जी इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल, इफ दिस इज 70, दिस इज गोइंग टू बी 70 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन एफ जी एंड ए बी आर पैरेलल, ए जी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सो ये हो गया 110।
Again, AG and BC are parallel. AB is acting as a transversal. Again, this is co-interior angles. ये 110 तो ये 70. फिर AB और CD parallel हैं. BC transversal है. ये और ये alternate interior angles. So both are going to be equal. Both are 70 degree. किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पहले वो बताओ. Anyone who is not able to make out the parallel lines and the transversals. चलिए जी, अभी सेकंड क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने वाला काम है. पहले क्वेश्चन नंबर थ्री देखो. क्वेश्चन नंबर थ्री का डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, पहले सारे फटाफट करो, जरा बैठा हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे कोई भी, सब काम करते हुए दिखने चाहिए. थर्ड क्वेश्चन के फिगर को अपने कॉपी के ऊपर थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करना ताकि सारे पॉइंट्स आपको लेजिबल हों. पॉइंट्स की कंफ्यूजन नहीं हो एटलीस्ट. ये पी पॉइंट दिया है, ये क्यू है, ये आर है, डी है, ई है, बी सी. अब जल्दी से मार्किंग कर लो पैरेलल क्या क्या दे रखा है. पैरेलल लाइंस के लिए मार्किंग मैंने बता दी, एरो मार्क करने हैं. तीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दी हैं, तो एक में सिंगल एरो कर लो, फिर डबल एरो कर लो, फिर तीन एरो कर लो. फटाफट मार्क करो जल्दी जल्दी क्विकली. सबसे पहले जी एफ बी सी के पैरेलल है, जी एफ बी सी के पैरेलल है. लो जी, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है. एंड थर्ड इज ए सी पी आर के पैरेलल है. उसके बाद एक्स एंगल, एक्स कहां दिया भला, ये इसको यहां ड्रॉ कर देती हूं मैं. दिस इज गिवन टू बी एक्स एंड मेजर ऑफ एक्स इज गिवन टू बी 40 डिग्री. दिस इज गिवन टू बी वाई एंड वैल्यू ऑफ वाई इज गिवन टू बी 110 डिग्री. और मुझे बोला गया है क्यू पी आर बताओ, ये वाला एंगल है जो मुझे निकालना है. गिविंग यू वन मिनट, लुक एट द फिगर केयरफुली, ट्राई टू यूज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट यू नो अबाउट पैरेलल लाइंस और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट. जो जो चीज लग रही है ध्यान से कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिगर एंड ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग्स. एक मिनट दे रही हूं सोचने के लिए, जल्दी जल्दी से सोचो और बताओ मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती जा रही है. तीन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तुम्हें दी गई हैं, दो एंगल दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली जो एंगल दिए गए हैं उनसे आगे सोचना पड़ेगा. ये एंगल अगर एक्स 40 है तो और कौन से एंगल की इंफॉर्मेशन मिल गई तुम्हें. ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री, क्यों मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. बिल्कुल. अब ये एंगल 40 है, ये एंगल 110 है, तो क्या ये वाला एंगल मिलेगा. yes. कितना, 110. ये 110 था, हाउ मच विल दिस बी, 70 डिग्री. लीनियर पेयर, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है. नो no. दो चीजों का यूज किया अभी हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर. ये 40 था तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल 40 हो गया, ये 110 था इसके साथ ये लीनियर पेयर बना रहा था तो ये 70 हो गया. अब पैरेलल लाइंस के ऊपर चलते हैं. ये जी एफ लाइन बी सी के पैरेलल दे रखी थी, ये दो एंगल पता चले हैं तो इनके साथ के कुछ और एंगल भी पता चल जाएंगे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से. तुम लोग तो ऐसे छकले देख रहे हो मेरी और एक दूसरे की कि मैंने पता नहीं पैरेलल लाइन छोड़ के कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर दिया.
कितना? 70 डिग्री. दिस इज 40, दिस इज 70. ये दो पैरेलल लाइंस हो करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 40. ये दो पैरेलल लाइंस तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये भी 40. एंड आफ्टर दिस सिमिलर वे वी विल मूव फॉर ये 70, तो ये 70, ये इसके साथ पैरेलल, तो ये 70. Now in triangle PQR, two angles are 70 and 40. So third is going to be 70. Because angle sum property say all three angles ka sum I want 180. So angle plus angle R plus angle P has to be 180 degree. Angle Q hai 70, angle R hai 40. So angle P is 70. डिग्री. अगला क्वेश्चन भी ट्राई किया क्या? टाइम था, फटाफट कर लेते. अभी तो क्लास का टाइम है, फटाफट देखना जरा. आसान सा क्वेश्चन है, लेट अस सी क्या करते हो. फटाफट एक मिनट लगा के जरा देख लेते हैं, देन विल डायग्राम कॉपीज पे ड्रॉ करो अपने. जो कुछ पैरेलल दिया है उसको मार्क करना है. ये M, L, N तीनों पैरेलल हैं. फिर आपको ये पॉइंट T दिया है. ये पॉइंट V है. सर अभी लाइट गई थी, उसके बाद तीन ही ज्वाइन हुए. अभी अभी आई है जस्ट लाइट. हाँ लाइट अभी गई थी ना. ये एंगल इज गिवन टू बी एक्स, दिस एंगल इज जेड, दिस एंगल इज वाई. और पैरेलल क्या क्या दिया इसके अलावा? पी टी पैरेलल टू क्यू आर. ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल. सबसे पहले जेड और वाई का रिलेशन बताओ. Any relation between Z and Y that you can make out? L और N parallel lines हैं. इसका मतलब ये QR क्या act कर रहा है इसमें? QR is acting as transversal. तो फिर ये Z और Y कैसे एंगल हुए? Corresponding angle हुए कि नहीं हुए? Yes. तो Z is equal to Y हो गया. बस जी, बस बातें नहीं. L एंड N दे आर पैरेलल लाइंस. QR इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. सो Z एंड Y दे आर करस्पोंडिंग एंगल्स. सो Z इज इक्वल टू Y. अब ये दो पैरेलल जा रही हैं लाइंस. देखो जरा पैरेलल लाइंस को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं. अब ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होंगे? पी टी क्यू आर पैरेलल लाइंस हैं. और क्या ये टी वी अब एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है? देखो जरा ध्यान से. क्यू आर टी पी में ये टी वी इज इट एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल और नॉट? अरे क्या हो गया, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है तो ट्रांसवर्सल हुआ. ये x तो ये भी x, करस्पोंडिंग एंगल्स. अब ये तीनों पैरेलल हैं, इसका मतलब x और z भी करस्पोंडिंग हुए. कैन आई से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z? दोबारा देखना इसको जा करके, ठीक है जी. और ट्राई करना है आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड एट योर प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने एक बार ट्राई करके आना. अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, ठीक है बच्चों? ओके जी, बाय बाय. मेरा पैसा नहीं है.